सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी 7:19, और अभी क्या मतलब वेदर मैंने देखा है तो आई मोस्ट प्रोबेबली आज बारिश होगी, मे बी अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट होपफुली कि बारिश होगी। और सी सीम्स लाइक वेदर होगी, डेफिनेटली बारिश होगी। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, होपफुली कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक लास्ट टेस्ट है। लास्ट नहीं मतलब सेम मॉड्यूल का ही एक 20% वाला टेस्ट है, इवन दो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द आर, बट द थिंग इज लाइक हाँ, काफी सारे क्वेश्चन वगैरह होंगे और उसके आंसर करके पीडीएफ या सेम मतलब पीडीएफ वगैरह ही अपलोड करना है। उसका भी क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर के बेस पे मेरे को आंसर अटेम्प्ट करने है। आंसर अटेम्प्ट करके फिर मेरे को पीडीएफ उसका वर्ड फाइल से पीडीएफ बना के, या तो वर्ड फाइल भी सबमिट कर सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल भी सबमिट कर सकते हो। जो भी आउटपुट वगैरह होगा, प्लॉट वगैरह होगा, वो सब भी मेरे को सबमिट करना है। उसका जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह होगा वो सब भी लिखना है लाइक बाय टाइपिंग, और वो सब करके फिर सबमिट करना है। तो होपफुली कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह आ जाएगा तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैंने मतलब प्रिपरेशन की है, बट मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से ना मेरे को मतलब टेंशन ही टेंशन हो रही है अलग से एग्जाम को लेके। बस यही लास्ट है, इसके बाद फिर डिसर्टेशन। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, हमारा जैसे आपको पता है कि मैं जैन इनटेक वाला स्टूडेंट हूँ, राइट, इंटरनेशनल स्टूडेंट। बट द थिंग इज कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा जैन जैन 14 या 17 में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जो मुझे एग्जैक्टली जो मुझे डेट याद है 17 जैन को स्टार्ट हुई थी क्लासेस। और आफ्टर जुलाई या फिर हाँ जून या जुलाई के एंड तक हमारा कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। मतलब क्लासेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कोर्स हमारा फिनिश कर दिया था इन लोगों ने। मतलब जो जिसका रिसीट था या जो फेल हो गए थे, उन लोगों का ही सिर्फ और सिर्फ एग्जाम था जून या सितंबर या इसमें अगस्त या सितंबर में। अदरवाइज कोर्स जो है पूरा जुलाई तक फिनिश हो गया था। व्हाट माय कंसर्न इज कि एक साल के कोर्स में 6 मंथ्स में ये लोग कोर्स फिनिश कर देते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ डिसर्टेशन पेंडिंग रहता है आफ्टर जुलाई, और वो भी नवंबर तक हमको सबमिट करना है। एंड इवन दो नवंबर तक अगर आप देखो जैन से नवंबर, तो भी पूरे 7 से 8 महीने में पूरा कोर्स, वैसे तो 6 महीने में ही कोर्स फिनिश है, क्योंकि क्लासेस तो इवन दो जून जून के बाद भी हमारी कोई क्लासेस नहीं थी। जून या जुलाई में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जून या जुलाई के बाद से तो बिल्कुल भी हम लोगों की क्लासेस नहीं थी। बस यूनिवर्सिटी हम जा रहे थे सेल्फ स्टडीज वगैरह के लिए, या फिर जिनका रिसीट था वो लोग जा रहे थे, या जिनको डिसर्टेशन या प्रोफेसर से कोई मीटिंग वगैरह थी, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा रहे थे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी लंदन वगैरह शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पे मतलब कोलचेस्टर में बहुत ही कम लोग रह रहे हैं इस हिसाब से। तो और जो मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने में पूरा कोर्स फिनिश कर दिया इन्होंने, डिसर्टेशन पेंडिंग है, सब लोग डिसर्टेशन ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। प्रोफेसर से मीटिंग वगैरह होगी तो 1-2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आएंगे लोग, और फिर प्रोफेसर से मीटिंग वगैरह करेंगे, डिसर्टेशन सबमिट हो जाएगा नवंबर एंड तक, या नवंबर तक या मिड ऑफ नवंबर या नवंबर तक में हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो नवंबर तक भी 7 से 8 महीने ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो उसमें भी कोर्स खत्म। मतलब एक साल के कोर्स में भी इन्होंने 7 से 8 महीने में पूरी क्लासेस तो 6 महीने में ही खत्म कर दी थी, प्लस में कोर्स भी देखा जाए तो हमारा वैसे तो जैन में ही 2023 में फिनिश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर या कोर्स, बट फिर भी 7 से 8 महीने में कोर्स पूरा खत्म। आप आफ्टर दैट जो मतलब फ्री टाइम है आपके पास, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो या जो भी मतलब आप करना चाहो। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि काफी सारा फ्री टाइम होता है। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो ये वाला जो मेरा लैब टेस्ट है वो इस तरीके से फेजर पे आया था। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, दिस इज द डेटा सेट, और यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है। आफ्टर अपलोड योर आंसर करके यहाँ पे अपलोड होगा। करो ना कम से कम। मैं टेस्ट दे रहा हूँ इनका। सो एग्जाम पेपर ये था, फीडबैक सबमिशन So once you submitted the file, you can see here will be the final submission file, submitted file. Yeah, focus. Yeah, here will be the final submission file. लंदन में रह के खुश नहीं रह पा रहे हो तो फिर कहाँ खुश रहोगे? इंडिया में खुश थे। आजमो लंदन, आजो। लेकिन 335 में हमारे 3 parts है ना, तो तुमने कोई से parts वगैरह select किया होगा ना? ये जब मेल आया था।
तब किया था ना मैंने अप्लाई। एक्चुअली मैंने भी ये जो था ना लैब टेस्ट, हाँ ठीक है सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैब टेस्ट के लिए तो मैंने भी अप्लाई नहीं किया। अच्छा हाँ एक सेकेंड नहीं उसमें मेरा नहीं दिखा रहा, हाँ मैंने सिर्फ लैब वाला दिखा रहा मेरा। या दैट्स फाइन हियर थैंक यू इज इट डन यस थैंक यू स्पून्स वगैरह तो उधर ही है ना, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या बोलते हो पाजी? सोच रहा था तो अभी लंच वगैरह तो मैंने कर लिया है, लंच वगैरह कर लिया और द थिंग इज़ कि मैं जा रहा हूँ रूम पे वापस से क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, पर्सनल वर्क है समथिंग। और टेस्ट वगैरह ना द थिंग इज़ कि ऐसा हुआ, टेस्ट एक्चुअल में इजी था, जो हमारा 20% वाला टेस्ट था ना वो इजी था, वो इसलिए था क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे उस पर। बस सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस या AI न्यूरल नेटवर्क या इस टाइप के जितने भी कोर्सेज वगैरह ले रहे हो या जैन इंटेक या अक्टूबर इंटेक जो भी आ रहा हो ना, आई विल सजेस्ट एवरीवन कि भाई बेसिक्स क्लियर कर लो, अपने बेसिक्स फंडामेंटल वगैरह क्लियर कर लोगे ना तो यहाँ पे मॉड्यूल को आपको ग्रैब करने में या समझने में अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा गंदे वाले लगेंगे और फेल भी हो गए आप लोग, लिटरली हम सहेंगे फेल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो अभी से अगर कोई कोर्स वगैरह कर लोगे या यूट्यूब से बेसिक्स वगैरह सीख लोगे दैट वुड बी मच बेटर। बारिश हो रही है अभी यूनिवर्सिटी में। जो मैं बेसिक्स वगैरह आपको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितने भी इन टाइप से कोर्स रिलेटेड है, अगर आप यूट्यूब वीडियो से या किसी कोर्स से रहे या और भी अदर प्लेटफॉर्म है उनसे अगर कोर्सेज वगैरह लेके बेसिक क्लियर नहीं कर पाते तो मैंने आई न्यूरो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वो जाके कोर्स आप परचेज कर सकते हो, सीख सकते हो, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वजह से आप कोर्स वगैरह या तो यूट्यूब से भी सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लो, अदरवाइज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आपको अच्छा कंटेंट मिलता है तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो होपफुली कि आपको वीडियो या व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो या वट एवर यू वॉन्ट टू से पसंद आया होगा। और चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली कि आप सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, लाइक वगैरह कर दोगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। What you